तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पिवट टेबल पे एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। छोटी सी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम आपके सामने आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जो प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास दो डेटा है, और डेटा जो है वो डेटा है आपका बायोमेट्रिक डेटा कर लीजिए या एक्सेस कार्ड का डेटा कर लीजिए। जैसे आप ऑफिस में आप जाते हैं तो डोर ओपन करने के लिए कार्ड को पंच करना पड़ता है या फिर अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, तब जाके आपका डोर ओपन होता है, राइट? यस सर। अब मुझे उसी से अटेंडेंस बनाना है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कविता देख लीजिए, जिसकी एक ही डेट में कई सारे एंट्री होगी क्योंकि उसने एक डेट में कई बार एक्सेस कार्ड को पंच किया होगा। जैसे आप लोग होते हैं कि आप सुबह ऑफिस गए, फिर किसी ने बुलाया तो फिर बाहर आ गए, फिर 12-1 बजे थोड़ी देर सुट्टा मारने के, मतलब भाई सुट्टा मारने आ गए, पता नहीं आप मारते हो कि नहीं मारते हो, मैं तो नहीं लेता। फिर लंच के लिए आ गए, क्या होता है ना। तो अंदर बाहर जब करते हैं तो आपका जो दरवाजा है ऑफिस का वो तो आपका एक्सेस कार्ड से ही खुलता होगा, अगर आपकी एमएनसी है तो, लाला साहब कंपनी तो कोई बात नहीं, राइट सर? डेटा है और मुझे इस पे बनाने हैं अटेंडेंस। एडमिन टीम क्या करती है, जैसे कि जो डिपार्टमेंट ने अटेंडेंस दिया और जो एडमिन टीम ने अटेंडेंस देता है, एडमिन टीम क्या करती है, एक्सेल डेटा से मैच करती है कि जो डिपार्टमेंट ने जो अटेंडेंस दिया है और जो हमारा एक्सेस कार्ड का देता है दोनों तो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अब किसी दिन मान लीजिए मैच नहीं किया और उस दिन उसका यहाँ पे प्रजेंट लगा हुआ है, तो फिर उस टीम से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि इसका एक्सेस कार्ड का रिकॉर्ड नहीं है, क्या उस दिन आउटडोर पे था, समझे? होता है ना कि ऑफिस के काम के लिए किसी और ऑफिस में चले गए थे या किसी क्लाइंट के पास चले गए थे, किसी डीलर के पास चले गए थे, तो इसलिए कार्ड का डेटा वो लोग मांगते हैं। तो मुझे इसी पे पिवट बनानी, और पिवट के जरिए बनाना है रिपोर्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्ट में आ रहा हूं, पिवट टेबल, पिवट टेबल लगाया और यहां पे मैंने दिया नेम और जो स्कैन डेट है उसको उठा के हमने कॉलम में रखा। जो कॉलम में रखा तो कुछ इस तरह से प्लस माइनस इस तरह से डेट वाइज आ गया। मैंने सिंपल साइज को ग्रुप किया डेट के हिसाब से, ये जो आपको आवर मिनट सेकेंड लिया हुआ है ना, इसको मैंने यहां से कर दिया रिमूव। रिमूव करने से हुआ क्या कि यहाँ पे सिर्फ अब एक डेट एक ही बार आ रहा है, समझे? एक डेट एक ही बार आ रहा है। अब इसमें अगर एक महीने का डेटा है तो ठीक है, अगर महीने अलग अलग से इसमें अलग अलग महीने का डेटा होगा तो दिक्कत होगी। फिलहाल एक महीने का डेटा है, दो महीने का डेटा नहीं है। अब मैंने क्या किया कि स्कैन डेट को वापस वैल्यू में रख दिया, ठीक है। तो वैल्यू में रखने के बाद क्या हुआ कि बताया कि पूजा ने 1 जनवरी को 2 बार कार्ड पंच किया, कविता ने 2 बार पंच किया, आपका जो है नेहा 5 बार पंच किया, उदय 5 बार पंच किया। अब यहां पे मैं पिवट टेबल ऑप्शन पे जा रहा हूं और यहां जो ब्लैंक सेल है, मतलब उस दिन इसने कार्ड पंच नहीं किया, उसको हम कर दे रहे हैं 0, ठीक है। तो जहां जहां में हमारा आ गया 0 आ गया। फिर एक काम और करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके टोटल फिल्टर्स को यहां से हटा देते हैं, हट गए। अब डेटा आ गया। अब बात यह कि इस तरह का डेटा अगर मैं भेजूंगा एचआर टीम को कि लो अटेंडेंस है तो क्या समझेगा, 2 दिन, मतलब कि 1 तारीख को 2 दिन आया, 2 ड्यूटी लग गई उसकी, क्या? यस सर, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजन, कंप्लीकेटेड नहीं, कंफ्यूजन है ना। तो हम यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास आपको याद होगी, नेगेटिव पॉजिटिव 0, याद है? यस यस सर। उसी मेथड का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पी लिखते हैं पॉजिटिव के लिए, सेमी कॉलन दिया, नेगेटिव पे ब्लैंक कर दिया और फिर A4 हमने कर दिया अब सेंट 0 के लिए, समझे? यस। एंटर प्रेस किया तो देखिए पॉजिटिव आ गया, आ गया ना? हाँ सर। और नेगेटिव आ गया, अभी रिपोर्ट बन गई, अब आराम से इसकी प्रिंट आउट निकाल के ले आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ विजुअलिटी के लिए है, ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल में है 2 ही यहाँ पे,
प्रिंट आउट के पर्पज से या देखने के पर्पज से इसको यूज किया जा सकता है, राइट? Yes. और अगर ज्यादा इसको करना चाहो तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन, माफ कीजिएगा, राइट क्लिक करके यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इक्वल टू जीरो जो है, जीरो है उसको डिफरेंट कलर दे दो ताकि ये अलग कलर में दिखे कि हाँ ये अब्सेंट है, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गया आपको? जैसे कि मैंने बताया कि एक काम मैं करूंगा, एक काम आपको करना है, एक काम मैंने कर लिया, दूसरा काम क्या है, दूसरे काम में मेरे पास जो डेटा है इन एंड आउट का है। अब इसमें क्या था कि हमारा सिर्फ आउट आउट का डेटा था, मतलब कि बाहर निकलने का डेटा था, तो बना ली एक डेटा था कार्ड पंच का। यहाँ पे क्या है कि इन आउट जाने के लिए और आने के लिए यूज किया गया, और यहाँ भी रिपीटेड है कि एक बंदा एक ऑफिस में कई बार ऑफिस से बाहर निकला और कई बार ऑफिस के अंदर आया। अब आपको इसमें ये करना है कि जो सबसे पहले आया उसका इन टाइम होगा और सबसे बाद में गया उसका आउट टाइम होगा। तो आपको जो रिपोर्ट बनानी है, नेम, इन टाइम, आउट टाइम और डेट, समझ गए? Yes. अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर आपने तो बड़ी हल्की सी रिपोर्ट बना दी और हमें ये पकड़ा दिया। तो बचपन जब खेलते थे तो सिंपल चीज हम लेते थे, कॉम्प्लिकेट दूसरे को देते थे ना, क्या? तब बॉलिंग करते थे, देखते थे कि ये बल्ला पिटने वाला है, बड़ा दूर दूर गेंद मारता है, तो उसमें हम बॉलिंग किसी और को देते थे। सर अभी ना मैं टाइम का पूछने वाली थी, टाइम वाला आपने हटा दिया, चलिए कोई नहीं, कोशिश करते हैं। टाइम है ना, टाइम यहाँ पे टाइम और इंटर डाला है। हाँ हाँ, वो आपने जो अभी किया ना उसमें आपने टाइम हटा दिया था, इसमें नहीं है टाइम, इसमें टाइम क्योंकि इसमें क्या बात ये था ना कि इसमें क्या हो सकता था, इन टाइम ला सकता था ना, इन आउट की सेग्रेगेशन नहीं थी ना डेटा में। नहीं, कैसे? कविता ने 45 रात को 45 1:45 बाहर गई है या अंदर आई है, कुछ आइडिया तो नहीं है? नहीं, लेकिन इसमें तो आइडिया है ना हमारा कि हाँ कि इसमें 4:28 पे अंदर आया है और फिर 30 मिनट बाद बाहर गया है। Yes. ठीक है, और जो डेट लगा है ना, डेट नहीं है, समझे? ये डेट टाइम इकट्ठा यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है? Yes. मैं चेंज कर देता हूँ फॉर्मेट, बाकी हो जाएगा। अब आप लोग इस पे अपना सारे एफर्ट लगाइए, दिमाग लगाइए, कलाकारी लगाइए, गूगल वाले से पूछ लीजिए, थोड़ा यूट्यूब से पूछ लीजिए, थोड़ा इधर उधर दोस्तों से पूछ लीजिए और बनाइए। ओके, लेकिन मुझे समझाना होगा कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया। जी सर। उससे मैं संतुष्ट हुआ तो चलो मान लूंगा कि आपने बनाया, संतुष्ट नहीं हुआ तो बोलूंगा नहीं नहीं आपने नकल किया, ठीक है? जी सर। ठीक है सुरेश जी। हाँ ठीक है सर। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं, फिर हम कल पिवट टेबल की कैलकुलेशन पे डिस्कस करेंगे।